ये बटे में खाया ना, और ये चुस्ता जबरदस्त। अच्छा ये आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे सर? कम से कम 40 साल हो गया। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। आप दूसरी या तीसरी पीढ़ी होंगे आप? छठी पीढ़ी है, जबरदस्त। यानी सिक्स जनरेशन है यहाँ पर जी। देखो ना बच्चा बड़ा बड़ा भी है, जानदार माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर। 4 प्लेट 5 प्लेट खाते हैं डेली। अच्छा माशाल्लाह सही। तो इसके फायदे क्या है बताओ ना जरा ऑडियंस को। पेट के लिए अच्छी होती है, मैदे के लिए मैदे को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करो ना, हफ्ते में एक आध बार खानी चाहिए। अच्छा दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है? आते हैं डॉक्टर हकीम, बहुत आते हैं। अच्छा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, अभी मैं नागन चोरेंगी यूपी मोड पे हूँ, और एक यहाँ पे बहुत ही मशहूर बट वाले होते हैं। नाम है इसका यूपी की मशहूर बिस्मिल्लाह बट चटपटी लजीज, ज़बरदस्त। कम लोगों को ये चीज़ पसंद होगी, और मैं भी यूजली इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन होता बड़ा टेस्टी है इनका। क्या इसकी रेसिपी क्या होती है वैसे ऑडियंस से? ये हमारी फरमाइश पे इतनी सारी चीज़ें इन्होंने निकाली है। और ये है बट, ये बट है, और ये और इसका ये, अच्छा ये चुस्ता है, ये बछिए का होता। अच्छा सही। तो इसके फायदे क्या है बताओ ना जरा ऑडियंस को। पेट के लिए अच्छी होती है, मैदे के लिए मैदे को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करो ना, हफ्ते में एक आध बार खानी चाहिए। अच्छा दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है? मेरे पास आते हैं डॉक्टर हकीम, बहुत आते हैं। अच्छा जबरदस्त, ये वैसे भी खानी चाहिए। यानी ये मैदे के लिए अच्छा है? ये मैदे के लिए अच्छा, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सही सही। देखो ना बच्चा बड़ा बड़ा भी है, जानदार माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर। 4 प्लेट 5 प्लेट रोज आना है। अच्छा रोजाने के 5 प्लेट ही खाते हैं डेली। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी यहाँ पे टाइमिंग क्या है? पहले 6 बजे आता था, फिर थोड़ा जल्दी आया, 5:30 तक आए। तो ऑडियंस को अपनी लोकेशन भी बता दो जरा कि कहाँ पर हो आप। जियो मोबाइल मार्केट के बिल्कुल सामने। अच्छा ये जियो मोबाइल मार्केट है, उसके सामने ही होते हैं यूपी मोड पे। यहाँ पे आपको बट भी मिलेगी, जैसे बहुत से लोग ना बट के नाम पे जूस्ता बेच रहे थे, वाइट वाला बट के नाम पे जूस्ता बेच रहे हो। आपने जूस्ता दिखा दिया ना? हाँ जूस्ता तो मुझे दिखाया है ना आपने। वो जूस्ता है, उसके लिए पहचान है, बट की पहचान है रेशे वाली होगी। अच्छा रेशे वाली में रेशा है, जूस्ते में रेशा नहीं। अच्छा सही सही। पकाने में बहुत टाइम लगता, कितना टाइम लगता होगा पकाने में इसका? ये अभी इसकी सफाई हो रही होगी, वो अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा पकना। अच्छा यानी पूरे 24 घंटे लग जाता है तकरीबन? हाँ 24 घंटे लग जाते हैं, फिर ये सुबह तक और पकेगा 12 बजे। दो दफ़ा बॉइल करते हैं? दो दफ़ा नहीं, बहुत पहले तो इसकी सफाई होगी। हाँ फिर ये बॉइल होगा, फिर इसकी उसके बाद दोबारा सफाई होगी, बॉइल हो गए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसकी गर्म पानी सफाई होगी सही। इसके बाद ये सुबह ये पकेगा 2:30 बजे तक, ये रात को पकेगा। अच्छा 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 अच्छा। इसके बाद चूल्हा बंद हो जाएगा। सही सही भाई। सुबह दोबारा पकेगा, 12 बजे दोबारा चढ़ाएंगे इसको, फिर अपना तैयार होकर इसका ग्रेवी वगैरह बनेगी, शुरुआत वगैरह। उसके बाद शाम में 5:30 बजे यहाँ पर। कितने किलो बनाते हैं एक साथ, ये कितना होता है? 40 किलो का है। अच्छा 40 किलो का है, माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत सारा निकल जाता है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। मंगल को तो होते हैं। अच्छा मंगल को खुद को नहीं होते, ये 40 किलो की देंगे भाइयों। 4-5 घंटों में ये सारा निकल जाता है भाइयों।